हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेंस। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आप लोगों को ढोकला बनाना बताऊंगी। तो ढोकले की रेसिपी के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: बेसन, नींबू का रस 2 चम्मच, 1 चम्मच सॉल्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, तड़के के लिए कुछ मिर्चें चाहिए इस तरीके से स्लाइस में कटे हुए, और पेस्ट चाहिए होगा हमें अदरक हरी मिर्च का, इनो फ्रूट सॉल्ट चाहिए होगा, हींग, कुकिंग ऑयल, सूजी 2 चम्मच और मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, धनिया, करी पत्ता और चीनी। इस तरीके का कोई भी टिन, केक टिन है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो इस तरीके का मैं तो एक टिफ़िन बॉक्स यूज़ करती हूँ, रोटी दान जैसे खाई है मेरे पास उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो बस इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स से मिला के हम ढोकला बनाएंगे। तो ढोकला बनाने के लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पानी हमें थोड़ा गुनगुना ही लेना है, तो इसे हम थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं। ये करीब 1/2 ग्लास पानी है। जब तक पानी गुनगुना हो रहा है तब तक हमें इस तरीके का एक मिक्सिंग बाउल लेना है जिसमें हम ये बेसन लेंगे। बेसन को हम इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से। ढोकले के लिए बेसन स्ट्रेन करना यानी कि छना हुआ बेसन होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हमने बेसन को छान लिया है। इन सबको हम डिस्कार्ड कर देंगे। बेसन में हम ऐड करेंगे चीनी, सूजी 2 चम्मच ली थी मैंने, साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, अदरक मिर्च का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। बहुत ही अंदाजे से पानी डालना है, अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाना है इसका। ये मैंने करीब 2 कप बेसन लिया है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। आपको मैंने बता दिया है ऑल टोटल करीब 1/2 ग्लास पानी लगता है, बाकी आप जैसी भी क्वांटिटी लें उसको एक बार आप थोड़ा थोड़ा करके ही अंदाज लगाएं। ठीक है, स्मूथ सा बैटर बना लेना है हमको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी स्मूथ सा बैटर बन के ये रेडी हो गया है, और इसे अब हम ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो मैं इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट बाद हम एक फाइनल बैटर रेडी करेंगे और साथ ही साथ ढोकला बना करके तलने की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, आइए बैटर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें हम हल्दी, सॉल्ट, नमक और हींग। बहुत ही हल्की सी हींग मैंने इसमें ऐड की है क्योंकि हमें तड़के में हींग को डालना है। तड़के में हींग थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। इसको मैं फेंट लिया। अब हमें एक चीज़ को बहुत जल्दी ध्यान रखना है, फटाफट से हमें क्या करना होगा, इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून। इसके ऊपर हम डालेंगे पानी और बस एक डायरेक्शन में हमें इसे फेंटते जाना है, एक डायरेक्शन में। हाफ टी स्पून तो हमको डालना ही है इनो फ्रूट सॉल्ट, उससे कम नहीं चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपको और भी ज़्यादा स्पंजी चाहिए तो।
और इसे या तो आप क्लॉकवाइज घुमाइए या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, लेकिन आपको इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। देखिए खूब अच्छे से फेंट लिया हमने, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। इसे डाल के भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। बस हमें तड़का बनाने का काम रह गया है, वो हम ढोकला बनने के बाद करेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें फिट चुकी हैं। अब हमको क्या करना है कि एक इस तरीके का पैन लेना है, उसे ग्रीस कर लेंगे हम अच्छे से। मेरे पास ये रोटी दान है, रोटी रखने के लिए जो कटोरे वगैरह आते हैं ढक्कन वाले, वो है, मैं उसको ही यूज़ करती हूँ। मैंने हमेशा ढोकला ऐसे में ही बनाया है, आप चाहें तो किसी भी केक टिन वगैरह में बना सकते हैं। देखिए मैंने इसको खूब अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब हम इसे इसमें पोर कर देंगे। ये देखिए सारा मटेरियल हमने इसमें पोर कर दिया है, ऐसे थोड़ा सा आप चाहें तो डैप डैप कर सकते हैं जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको किस में बनाना है उसकी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ लूँगी फ्रेंड्स मैं कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी, इतना ही नहीं थोड़ा सा और। करीब इतना पानी ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से हमें बॉयल होने देना है। इसमें कुछ भी ऐसा रखेंगे जिससे कि ये ऐसे उठा रहे, पानी डायरेक्ट इसके टच में ना आए, और इसे ढक के हम बॉयल होने देंगे। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमने एक्चुअली इसके अंदर ना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऐसा किया है। पानी देखिए भाप निकल रही है, अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर हमारा ये बैटर रख देंगे ढोकले का तेल के साथ, और प्लेट से हम इसे कवर कर देंगे पूरे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बीच में हमें इसे बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना है, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है इसके अंदर का अच्छे से, और लो फ्लेम पे इसे 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। साथ ही साथ हमें 15 मिनट के बाद इसके अंदर नाइफ डाल के चेक कर लेना है कि ये हमारा, अगर नाइफ सूखा निकलता है, ड्राई निकलता है, तो ढोकला बिल्कुल बनके तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स 15 मिनट के लिए हम इसे कवर कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स प्लेट हटा के एक बार देखते हैं। बहुत ही आहिस्ते से आपको ये काम करना होगा, और क्लोथ को लेना होगा कायदे से, क्योंकि एकदम ओवन बन चुका होगा। देखिए आप स्टैंड के ऊपर अगर कोई भी केक टिन रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये बहुत ही आराम से निकल रहा है, बिल्कुल भी कहीं कुछ लगा नहीं है, इसका मतलब हमारा ये बनके तैयार है। तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब मैं इसे एक क्लोथ की हेल्प से निकाल लूंगी। अब हम तैयारी करेंगे यहाँ पे तड़का बनाने की। तड़का बनाने के लिए मैंने ये लिया है तड़का पैन, फ्लेम ऑन कर देंगे, ऑयल चढ़ाएंगे। मैं डाल रही हूँ एक चम्मच ऑयल, इसको गरम होने देंगे। जब तक ये गरम हो रहा है, मैं खैर साथ में ही आपको दिखा देती हूँ, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ऑयल गरम हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे हींग, हाफ टी स्पून शुगर, राई और ग्रीन चिली, थोड़ा सा सॉल्ट और करी पत्ता। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत आहिस्ते से करना होगा आपको, खटक के आएगा ये। ये देखिए
तो हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरे घर में सभी को बहुत ही जूसी ढोकला पसंद है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। एजेस से इसको इस तरह से चेक कर लूँगी। ये देखिए कितने आराम से इसने साइड्स को छोड़ा हुआ है। ये देखिए इसको इस तरीके से कवर करके इसे निकाल लेंगे। ये देखिए साथ ही साथ जो भी आपकी सर्विंग प्लेट है उसमें इस तरह से इसको पल इतना स्पंजी सा बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें कट्स लगा देते हैं। ये फ्रेंड्स, कोई कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना होता है और चीज़ हमारी बहुत अच्छी बनती है। जैसा भी मैंने ढोकला बनाया है, घर के अवेलेबल सामानों से बनाया है, आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। और खूबसूरती लाने के लिए, बिल्कुल मार्केट जैसा लाने के लिए, आपको कोई भी थोड़ा सा ऊंचाई वाला टिन चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि क्या होगा कि आपको एक शेप अच्छा मिलेगा। मैंने घर पर रोटी दान से बनाया है तो आप समझ ही सकते होंगे, उठाव और लाने के लिए आपको बस इसका ध्यान रखना है। देखिए कितना स्पंजी है, मेरे कटिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना स्पंजी है। देखिए कितनी आराम से कट हो रहा है। ये देखिए अब हम इस पर तड़का स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। मुझे मेरी फैमिली को जूसी बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही साथ मैं इसे तुरंत नहीं खाने वाली हूँ, इसलिए मैं और भी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल के मैंने तड़का बनाया है कि जिससे ये थोड़ा सा इसमें डिप्ड रहेगा। उसके बाद हम लोग करीब 10 से 15 मिनट बाद इसको लेने वाले हैं गैस के आने के बाद। इस तरीके से कोरिएंडर लीव से हम गार्निश कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा बढ़िया से ढोकला बनके एकदम रेडी है। मैं आपको इसका एक पीस दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ढोकला कितना बढ़िया बनके तैयार है। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट और फ्लेवर आने वाला है। माउथ वाटरिंग ढोकला है ये बिल्कुल, और जूसी है, स्पंजी है। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया स्पंजी ढोकला है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना स्पंजी ढोकला है। मेरे तो मुँह में पानी आ गया है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, कुछ गेस्ट आएंगे, उनके साथ हम इसे बाद में खाने वाले हैं। तब तक मैं कैसे वेट करूँगी ये मैं ही जानती हूँ। तो इस रेसिपी को अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन हिट करें रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।